मामला बदावास की वार्ड क्रमांक 6 का है, जहां पर बिजली नहीं मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। बदावास की वार्ड क्रमांक 6 जो हाईवे के उस पार लिटिल फ्लावर स्कूल के पास में बसा हुआ पूरा मोहल्ला है, इसमें करीबन एक साल से लोग बिजली को लेकर परेशान हैं। 24 घंटे में 2 या 4 घंटे ही बिजली मिलती है, कभी कभी तो पूरी रात नहीं आती। करीब एक साल से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वार्ड क्रमांक 6 के निवासियों का कहना है कि करीबन एक साल से वार्ड क्रमांक 6 की लाइट ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी है, जबकि बिल शहरी क्षेत्र के आधार पर दिया जाता है। लोगों ने बताया कि कई दिनों से वार्ड क्रमांक 6 में लाइट से परेशान है। कई बार फोन पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। इसको लेकर सभी निवासियों ने आवेदन भी दिया है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वरिष्ठ अधिकारी हमेशा आश्वासन देकर हमें दफ्तर से भगा देते हैं। लोगों का मानना है कि हमें लगातार लाइट मिलना चाहिए, नहीं तो वार्ड क्रमांक 6 के सभी लोग बिजली विभाग के दफ्तर में जाकर प्रदर्शन करेंगे। क्या समस्या है आपको? आप जो विद्युत मंडल पर इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण है? कारण क्या है? पिछले एक महीना से और एक साल से कम समथिंग जो रोड क्रॉसिंग है, ब्रिज है, गुरबाज बेजरोनी रास्ता, उसकी इतनी लापरवाही की जा रही विभाग की ओर से कि विभाग चाहे देख के अनदेखी कर रहा है। क्या वार्ड क्रमांक 6 में ब्रिज के उस साइड में बेजरोनी जो ग्रामीण अंचल आता है, वो लाइट जोड़ के रखी है। ब्रिज में जो केबल पड़ी थी वो बिल आप पे शहरी क्षेत्र का आता है या ग्रामीण का आता है? ऐसी अनदेखी बाजार में रहकर नगर पालिका के अंतर्गत जोड़ने के बाबत गांव से ग्रामीण अंचल क्षेत्र से बदतर स्थिति हो गई है। इससे पहले आपने किसी को बताया इस विषय में? साहब से एक बार मेरी फोन पर बात हुई थी तो साहब ने ये कहा था एक सबमीटर तैयार हो रहा है श्रीपुर पर, वो पर्सनल आपके लिए होगा। आज से पूर्व में 3-4 रोज पहले मेरी बात हुई थी, मैंने कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, एक समस्या का समाधान तो होगा आपके पास में कोई, तो साहब ने ये कहा कि भैया इसके लिए पर्सनल एक वो आया सब स्टेशन, वो केवल आपके लिए रहेगा, उधर ग्रामीण अंचल हटा दी जाएगी। मैंने साहब वो कभी आएगा जब आपके लिए कोई व्यवस्था तो होगी, टेम्परेरी व्यवस्था तो होगी, उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ अभी तक। सप्लाई चालू हुई थी सर, आज जो आवेदन दिया है वो किस चीज़ को लेकर आवेदन दिया गया है सर? वार्ड नंबर 6 में समस्या है बिजली की, उस संबंध में दिया है। इनकी अभी सप्लाई श्रीपुर आबादी से है, उसी से भद्रवास तहसील लड़ाजी का मंदिर सब उसी से चालू है, और ये चाहते हैं कि हाईवे के अंदर से क्रॉसिंग करके ले जाएं तो वो परमिशन मिले। ऐसा क्यों सर, परमिशन क्यों नहीं मिल सकती सर? ये लोग कौन जवाबदार है? उस केबल से किसी को करंट लगा, किसी की दुर्घटना हो गई, उसके लिए कौन जवाबदार है? हाईवे ने हाईवे से परमिशन कौन लेगा? नगरपालिका पानी पिलाने के लिए अपनी एक केबल डाल के ले जा रहा है सर, उसमें सार्वजनिक उपयोग के लिए जा रही है, पानी के लिए नगरपालिका को लगेगा तो उनका भी कनेक्शन कटवा देगा।